हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रामचंद्र और आप देख रहे हैं गुआवा यूनिवर्स यानी यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे कि ये जो पिचकारी आप देख रहे हैं, इस पिचकारी की जो धार है उसके लिए आप अधिक दूरी तक कैसे ले जा सकते हैं, इस विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। मेरे पास दो पिचकारी हैं, इस वाली पिचकारी की धार इससे इस वाली पिचकारी की अपेक्षा दुगनी जाती है, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने दोनों पिचकारियों में बराबर पानी भर रखा है और अब हम इसमें कलर डालेंगे। इस वाली पीली वाली में हम ग्रीन कलर डालेंगे और जो लाल वाली पिचकारी में हम रेड कलर डालेंगे। देखिए, हमने रेड कलर इसमें डाल दिया है एक पैकेट। अब हम इसमें ग्रीन कलर डालेंगे इस वाली पिचकारी में। देखिए फ्रेंड, हम दोनों पिचकारी के लिए टेस्ट करेंगे यहाँ पर और देखेंगे किसकी डिस्टेंस ज़्यादा तय करती है। देखिए ये वहाँ तक, देखिए कहाँ तक जा रही है इसकी धार, इस वाली पिचकारी की। अब इसकी देखिए, इसकी बिल्कुल आधी है। तो हम बताएंगे इस वीडियो में कि इसकी धार की डिस्टेंस को कैसे बढ़ाया जाए कि ये उस पिचकारी की तरह काफ़ी दूर तक जाए। आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर को और रेड रेड कलर जो इस फाइबर के ऊपर रह जा रहा है और वो ग्रीन कलर देखिए वहाँ तक जा रहा है। दोनों को बराबर मैं उठा रहा हूँ तो भी दोनों में आधे आधे का डिस्टेंस नज़र आ रहा है। इन दोनों पिचकारी के आगे से हम नोजल अलग कर देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि जो पीली वाली पिचकारी है इसका नोजल आगे से हमने काट दिया है, इस वजह से इसकी जो धार है वो अधिक डिस्टेंस तक जा रही थी। और जो रेड कलर की पिचकारी है इसका नोजल आगे से बिल्कुल सही है जैसा कि नई पिचकारी में आता है। तो हम क्या करेंगे, इस लाल वाली पिचकारी के नोजल को आगे से काट देंगे और हम बताते हैं अब इस वीडियो के माध्यम से कि इस नोजल को कैसे काटना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जी, इस तरीके से तो आगे के इस भाग को काटना है। मैं ब्लेड की सहायता से आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, इसे हमें यहाँ से काटना है और यहाँ से ये अलग हो जाएगा इतना भाग। लेकिन याद रहे, जो बार्सल को मैं हटा के दिखाता हूँ, देखिए ये बार्सल का जो ग्रिप है ये नहीं कटने पाए, सिर्फ आगे का ये हिस्सा कटे। जैसा कि मैं दूसरा वाला जो वो है छोर, उसके लिए भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पीली वाली पिचकारी का है, जैसे मैंने इसे काटा है मैं उसी प्रकार आपको बताऊँगा। इसका भी मैं रबड़ हटा देता हूँ। देखिए इन दोनों को आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा डिज़ाइन। जो आगे जो जो रबड़ के बार्सल की जो ग्रिप है उसे हमने नहीं काटा है और आगे का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसे काटना है। फिर इस तरीके से आर पार छेद नज़र आने लगेगा और जो पानी है वो इससे टकराने की बजाय सीधा आगे की इस छुंची में जाएगा। और बार्सल लगाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए मैं इसे लगा दिया है तो आप देख पा रहे होंगे वो छेद नज़र आ रहा है इसमें। लेकिन अगर यदि हम इसमें इसे लगाएं तो छेद नज़र नहीं आएगा। चलिए मैं इसे अब काट देता हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे काट रहा हूँ मैं। इस तरीके से इसे रखना है ब्लेड को और इसके ऊपर ऐसे चलाना है और ये कट जाएगा। देखिए ये कट रहा है। देखिए ये इस तरीके से ये कट लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से ये कट रहा है, बहुत ही आसानी से कट जाएगा। देखिए छोटा सा हल्का सा कट लगाया अभी मैंने, अभी मैं और बड़ा कट लगाऊंगा इसके ऊपर। इस तरीके से आपको इसके ऊपर ब्लेड चलाना है, इसके ऊपर ब्लेड चलाना है और ये कट जाएगा। देखिए काफ़ी कट रहा है,
और काफ़ी कट चुका है, और देखिए ये कट चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्लोज तरीके से, देखिए कितना ज़्यादा कट चुका है यहाँ से। अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा ये कट, तो अब मैं इसे और तोड़ देता हूँ इस कट के ज़रिए। अब हम प्लास की सहायता से इसे इसमें फंसाएंगे हल्के से, अब दबाना नहीं, अब बड़े आसानी से ये अलग हो जाए। देखिए ये अलग हो चुका है, और ये रहा इसका आगे का भाग। यही जो भाग है वो प्रेशर बनाता है और फुब्बारे की तरह इसे चलाता है, और ये आगे लगा होता है, तो जिसे हमने अब अलग कर दिया है। अब ये भी पिचकारी देखिए अंदर का ये वाला बार्सल नज़र आ रहा है इधर से, बिल्कुल क्लियर। तो अब इसमें जो पानी का फ्लो है बिल्कुल सीधा जाएगा, और मैं आपके लिए वो भी लगा के दिखा देता हूँ। आगे की ये छुंची है, इसे लगाएंगे और इसमें हम आमने सामने तक देख सकते हैं। देखिए वो सामने बिल्कुल साफ साफ छेद नज़र आ रहा होगा, तो ये चीज़ है। अब पानी इसमें से बिल्कुल सीधा जाएगा। अब हम इसका जो डायरेक्शन है उसे भी चेक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बार्सल लगा देना चाहूँगा इसके ऊपर, ताकि ये देखिए हमने बार्सल की ग्रिप को नहीं काटा है, बिल्कुल वो एकदम सुरक्षित है। और जो ऊपर का जो पीतल है, फालतू की जो धार बन गई है, उसे मैं इस रेती की सहायता से घिसकर सही कर दूँगा। देखिए वो सही हो गया एकदम बिल्कुल फ्रेश। अब ये पानी बिल्कुल सही फेंकेगी पिचकारी, और ये देखिए हमने ये बार्सल लगा दिया। यदि हम ये बार्सल नहीं लगाते हैं तो इसमें जो हमारा ये है, तो इससे वो पानी लीकेज होने लगता है यहाँ से, तो मैं इसे लगा देता हूँ। अब देखिए ये लग चुका है काफ़ी बढ़िया तरीके से, और ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे अपनी लाल वाली पिचकारी में इस तरीके से लगा देंगे, टाइट कर कर खूब। दोनों पिचकारी हमने रेडी कर रखी हैं। अब हम यहाँ से पिचकारी की धार देखते हैं। ये देखिए ये ग्रीन वाली देखिए कहाँ तक जा रही है। अब देखिए ये लाल वाली देखिए, अब लाल वाली भी उतनी ही दूरी तक जा रही है। देखिए मैं इधर के लिए दिखाना चाहूँ, देखिए रेड वाली जो पिचकारी की धार है, जहाँ पहले ग्रीन कलर का निशान है, वहीं तक देखिए जा रही है, और पहले कितनी कम जा रही थी, अब देखिए दोनों का लगभग बराबर दूरी तक जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।